नमस्कार, आपका स्वागत है फ्रेंड्स एक बार फिर से आज एक नए वीडियो में और कुछ नई भर्ती की जानकारी के साथ। आज बात करेंगे बिहार के लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के बारे में। बात कर रहे हैं कुल पद 8000 के बारे में। जी हाँ, 8000 पदों पर जो आप लोग का भर्ती प्रक्रिया होनी थी, बहाली नियुक्ति होनी थी, उससे संबंधित एक अपडेट्स अभी निकल के आई हुई है कि लॉकडाउन समाप्त होते ही शुरू होगी बहाली नियुक्ति प्रक्रिया। जी हाँ, इसके अलावा और भी अन्य भर्ती के बारे में जो बिहार में अभी चल रही है उसके बारे में अपडेट्स देंगे। सभी अपडेट्स की जानकारी बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से आप लोग को यहाँ पे बताने वाले हैं और सभी जानकारी पेपर कटिंग के माध्यम से होगी। जी हाँ, पेपर कटिंग के माध्यम से ही जो जानकारी निकल के आ रही है वो आप लोग को बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। तो आज की सबसे पहली अपडेट्स के बारे में आप लोग को बताना चाहेंगे। बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से एक भर्ती निकाला गया है जो कि कुछ इस प्रकार से आप लोग देख पाएंगे। 5 अलग अलग पदों पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यह भर्ती है और ये भर्ती जो है बुज़ुर्गों के लिए है। जी हाँ, बुज़ुर्गों को कहा जाए तो एज लिमिट आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आप लोग का एज लिमिट रखा गया है। इनमें आप लोग का क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इसकी नोटिफिकेशन हमने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे, आप लोग परिपूर्ण देख लीजिएगा। इसी के साथ आगे बात करेंगे 8000 फिजिकल टीचर बहाली के लिए अभी करना होगा इंतज़ार। जी हाँ, आप लोग को बता दें जो 8000 पदों पर फिजिकल टीचर की बहाली होनी थी अब तक नहीं हो पाई है। अब फिर से लॉकडाउन जारी है। अब लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ही ये 8000 टीचर जो है फिजिकल टीचर है इनकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके अलावा वेट्स की तरफ से बिहार में डेटा एंटर ऑपरेटर समेत कई अन्य अन्य पदों पर भर्तियां नहीं है, वो भी 8000 पदों पर ही आएंगे। उनकी भी प्रक्रिया जो है शुरू होने की उम्मीद है इन लॉकडाउन समाप्त होने के बाद। ये थी आज की ताज़ा दूसरी अपडेट्स। आगे बात करेंगे तीसरी अपडेट्स की। तो और कुछ भर्तियाँ जो कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से आई हुई है, विज्ञापन संख्या की बात करें तो 01/2021 के अंतर्गत ये भर्ती अभी लिया जा रहा है। भर्ती के बारे में विशेष जानकारी आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगा। जी हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हमने ये सभी नोटिफिकेशन शेयर कर देंगे। अभी आइए जानते हैं आगे और भी अपडेट्स के बारे में। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आवेदन अब 3 महीने ही। जी हाँ, ये जो है योजना है, पहले क्या होती थी कि 1 साल तक पूरा आवेदन लिया जाता था, लेकिन अब बदलाव हुआ। यहाँ पे बदलाव क्या हुआ कि 3 महीने तक ही आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ आप लोग को बता दें ये जो योजना है इसमें आवेदन प्रक्रिया में जो है उद्योग विभाग ने कई बदलाव किए हैं। बदलाव क्या क्या हुआ है आप लोग डिटेल से जो है इस पेपर को पढ़ के जान सकते हैं। आगे बात करेंगे आयुष चिकित्सकों की बहाली की दिक्कतों जल्द दूर होगी, ये सूचना जो अभी मिल रही है सचिव स्वास्थ्य विभाग की ओर से। आगे की बात करेंगे तो राज्य में जो है संविदा पर बहाल हुए 500 नए चिकित्सक। जी हाँ, बहाली अभी जारी है, अभी तो ये बहाल हुए हैं और बहाली और भी किया जा रहा है। जैसा कि देख पाएंगे संविदा पर बहाल होंगे 25 और डॉक्टर, जो बहाली 3 माह के लिए मानदेय स्पेशल रखा जा रहा है और उनको और भी यहाँ पे बहाली लिया जा रहा है। ठीक है, डॉक्टरों की बात कर रहे हैं। आगे बात करेंगे बेरोजगार युवतियों को जो है 5000 रुपये भत्ता दे सरकार। जी हाँ, आप लोग को बता दे पूर्व CM जीतन राम मांझी की तरफ से जो है सरकार को कहा जा रहा है कि बेरोजगार जितने भी है युवक हो या फिर युवती हो उनको 5000 रुपये जो है भत्ता देने की बात सरकार से कहा जा रहा है। तो ये अपडेट्स अभी आई हुई है। आगे बात करेंगे कि लॉकडाउन समाप्त होते ही इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर। जी हाँ, बात हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति की। हाल ही में इसकी फॉर्म भराई आप लोग का हुई है, अब कॉल लेटर के लिए जो है वेट कर रहे जो है कैंडिडेट्स है वो लॉकडाउन समाप्त होते ही इनकी प्रक्रिया शुरू होगी, ये सूचना यहाँ पे मिल रही है। आगे की अपडेट्स की बात करेंगे तो BEd के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है जारी हो चुकी है एक बार फिर से। तो 25 मई तक जो है लेट फाइन के अलावा किया जा सकता है आवेदन। जी हाँ, आगे की बात करेंगे तो स्कूल भले ही बंद हो पर बच्चों को मिलेगा मिड डे मील। जी हाँ, पोषण पर फोकस यहाँ पे दिया जा रहा है, सरकारी स्कूलों की बात हो रही है। आगे बात करेंगे सरकारी ITI के छात्र छात्राओं को पोशाक की राशि मिलने में होगी देरी। ये देरी बहुत दिनों से हो रही है,
फिर से एक बार अपडेट्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। आगे बात करेंगे शिक्षक के वेतन के लिए 1767 करोड़ जारी, तो ये आप लोग को अपडेट्स अभी देखने को मिल रही है। आगे आप लोग को बता दें यही अपडेट्स यहाँ पे थी इतना ही, जो कि हमने शॉर्टकट तरीके से हर एक अपडेट से आप लोग को जो है अवगत कराए हैं। आशा करेंगे आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।